Assalamualaikum. Welcome to Yarn. आज का व्लॉग इसे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बर्थडे थी, उसके बाद तो मैं बिल्कुल थक गया था और स्कूल की रूटीन भी स्टार्ट हो गई थी। अभी स्कूल से आया हुआ और उधर से हम चले गए थे, हम पापड़ लेने चले गए थे। आज अम्मी ने बना रखे हैं आलू पापड़। उस दिन भी थे, उस दिन बहन ने इतने अच्छे नहीं बनाए थे, मैंने उसकी तारीफ तो कर ली थी लेकिन अम्मी की तो अलग ही बात होती है। तो अभी पापड़ ले आए हैं तो अभी बनाते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम करते हैं। पानी आ गया बस, बहुत सब सारे कपड़ों के ऊपर मज़ा आ गया, सुकून मिल रहा, बड़ी गर्मी थी। आपको मैं बाहर दिखाता हूँ, ये देखिए फुल तेज धूप है। आलू बना रहे हैं, मैंने क्या अच्छे, मैं आपको पापड़ तल लेता हूँ। मशहूर कैमरा पकड़ो, मैं इनको दिखाता हूँ कि हम प्रोफेशनल शेफ कैसे बनाते हैं। ये खुद सुन रहा है, देखिए तो ये आगे सारे वो पापड़ शरीफ। आपको पहले ये वाला दिखाता हूँ, आगे गर्म हो गया शायद जी, इतना नहीं हुआ बस हो गया। देखें हो गया सौदे, अभी ये देख सकते हैं इसको सारों को अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या माहौल बनता है। पटी मीन्स के आलू पपड़ बन चुके हैं, ये आ गए आलू पपड़। चेक करते हैं सबर, ऐसे तो नहीं ना सीधा प्रॉपर तरीके से रिव्यू देते हैं कि आज अम्मी के हाथ के गैस है। उस दिन बहन को तो सामने बैठी हुई है, सीधी बात करूं अल्हम्दुलिल्लाह आलू बन चुके हैं, मीन्स के आलू पपड़। तो सीधी बात करूं, मैंने जैसा वो कहा है अम्मी के हाथ के ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। बहन सामने ही बैठी हुई है, उस दिन उसका ज़रा मेरा मूड अच्छा था, तारीफ कर ली थी, वरना मेरे मुंह से तो गाफ नून दाल ये दाग जाके निकल जाता। टेस्ट करते हैं, कहते बंद कर अल्हम्दुलिल्लाह फुफल्ला। जब मज़ेदार चीज़ बनी पड़ी तो बंदा तुन के ही खा लेता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि हमारे घर में अभी सोलर लग चुका है, मीन्स के अभी बिजली नहीं जाती, बिजली होती है अभी भी है, बड़ी मशीन वगैरह चल रही है, वरना ऐसे होता तो आम लोग ठहरे तो कब आएगी, कपड़े धोएंगे, अभी ये कोई टेंशन भी नहीं है, अभी आएगी नहीं आएगी ये कोई टेंशन भी नहीं है, बस डालो, ऑटोमेटिक मशीन भी है, डालो और खुद धुल के निकल आएंगे। बहुत फैसिलिटीज़ अभी मौजूद हैं, यानी कि हमारे इस वर्ल्ड दुनिया में। तो अभी तो ट्यूशन का टाइम होने ही वाला है तकरीबन, तो अभी थोड़ा तुम लिए थोड़ा आराम करते हैं। तो अभी मैं कुछ रिलैक्स फील कर रहा हूँ, धूप वैसे ही है, अंदर थोड़ा लेटा बैठा, और अभी ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है, बस 5-10 मिनट रहे, छत भी जाते हैं, और मौसम इनके उस लिहाज से बादल वगैरह तो वही जान वही वही मरी सवादल मौसम साढ़े डेरे। चेक करें भाई वो बादल, चेक करें ऐसे मज़ेदार बादल हैं, आ देखिए वो ये देखिए कितना वो सामने दरख्त आ गया, कितने प्यारे बादल लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, दिल खुश होता है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सवाल वाले बादल नहीं होते इधर, ऐसे साथ साथ बादल लगे, बादल भी साथ नहीं है, इतनी दूर नहीं है, ये देख सकते हैं एक बिल्कुल ये ऊपर भी है, ये देख सकते हैं। उफ, और सोलर प्लेट्स आपको दिखाता हूँ जो लगी थी ये आ गई, अभी काम पूरा घर सोलर प्लेट्स पे ही चल रहा है। ओ अभी क्या था, ये देख सकते हैं, हाय हाय करंट ना तो पीछे हो जाए तो अच्छा है, पूरा घर अभी सोलर प्लेट्स पे इस पर ही चल रहा है। हाई हर चीज़ एक तरफ, मौसम एक तरफ, जाने मन मौसम एक तरफ, ये देखें
ये देखें वो सामने चेक करें, ऐसे जैसे कोई इसके अंदर कोई हवा भरी हो, धुआं वगैरह भरा हो, धुएं को छोड़ा हो, तो ऐसे जैसे धुआं नहीं होता, बहुत प्यारे लग रहे हैं, खुदा की कसम से बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक चीज़ होती है ना नेचुरल, नेचुरल इसे कहते हैं, दिल खुश होता है। और झूला भी हमारे जैसे आपको पता पड़ा हुआ था, तो अबू ने अभी ये क्या सारा हाथ काला हो गया, अबू ने बेल्ट करवा रखा था क्योंकि मैमो आती है, रूहान आता है, तो वो बैठते थे, तो अबू ने बेल्ट भी करवा लिया। ये पीछे से सारी टिक खराब थी और इधर से ऊपर से पीछे से गल गई, गरम गरम धूप पे जो पड़ा था। आई स्टॉप करते हैं, नीचे अम्मी लोग सो पड़े हैं, कुआर का डालेंगे। सुकून, ऐसे आराम से रिलैक्स हो जाओ तो मज़ा आ जाता है। फिर वही बात, मौसम की बात है, कसम से जो 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 कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, जो रियल आई से देख सकते हैं ना, उसके अलग बात है। देख सकते हैं सामने, ये देख सकते हैं, ये है, ये है, ये ऊपर है, वो सामने है, जो रियल आई से देखा जा सकता है ना, वो कैमरा उस चीज़ को नोट ही नहीं कर सकता। और ट्यूशन के टाइम भी होने वाले हैं, दिखाता हूँ, तो अभी पहले जाते हैं ट्यूशन और ट्यूशन जाके फिर आप सुनते हैं। अल्लाह, ट्यूशन से आ गया हूँ और मौसम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बहुत सख्त भूख लग रही है, पहले मेरे सर में भी ज़्यादा बहुत सख्त भूख लग रही है। अभी पहले जाते हैं फटोफट से चीज़ लेने और चीज़ लेके फिर आप सुनते हैं। चीज़ लेके आ गया हूँ, माशाल्लाह थक गया, ये आ गई चीज़, ले लिया, खोलते हैं ना, ले लिया, ये पता पापू ना आए पड़े तो मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं, ये लिया और ये दो बिस्कुट ले लिए, बड़े अच्छे लगते हैं सुपर, और यो बिल। और अभी खाने से पहले पहले आपको मौसम बाहर का दिखाता हूँ, यह बाहर का मौसम इधर से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, पहले कुछ खा लेते हैं फिर मैं छत पर जाऊँगा, फिर आपको जो दिखाऊँगा ना, उस तरफ इतना मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन अभी आस्ते आस्ते बादल ऊपर आ रहे हैं, फिर बारिश बरसाएंगे। आ गया मेरे लिए साथ वाले कमरे में, आ गया उधर सारे बैठे हुए थे बहन, अबे तंग, मुझे लेस सारे फ्लेवर चलते हैं, अंकल के पास पड़ा ये था वरना मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है, वैसे अच्छे लगते हैं जो मुझे दो मेन पसंद है, तो वो है ग्रीन और चीज़ फ्लेवर वाला, एक वो वाला है क्या, कौन सा फ्लेवर कहते हैं, ग्रीन पर मुझे सीधा नहीं आ रहा वो, और एक वो वाला, अभी खाता हूँ पहले। खा लिया और मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको मौसम दिखाऊँगा, तो मेरे सब मोए मोए अगेन हो गया, इधर बाहर आए तो फिर से धूप निकल आई है और यहाँ बच्चियाँ भी आई हुई हैं, ओ और शराम भी आया हुआ है, और चलो साइकिल उठाओ, शराम साइकिल बैठ के क्या कह रहे हो, उधर इतने सारे चलते हैं शराम की साइकिल लेके, मेरे पीछे लग गए हो, मैं शराम की साइकिल उठा के आ गया हूँ, शराम की पीछे मैं आ गया हूँ, और यहाँ क्रिकेट का मैच खेलने लगा हुआ है, नहीं ये शराम खेल, तो बारी दी है अभी ये आराम, लोग हमें बारी दे रहे हैं, क्रिकेट खेल के आ चुका हूँ, और अभी मुझे अम्मी ने कहा है कि आज जाना है शादी पे जाना है, अबू के शायद दोस्त की है, दोस्त के बेटे की है, वही किसी के ना दोस्त की तो नहीं हो सकती है, इधर कोई निक्का बाल दा दोस्त ना हो सी जम दिलादा, दोस्त के बेटे की है, तो वो भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे मौसम मेरे साथ, आपको पता है मोए मोए होगा था मेरे साथ,
ऊपर से मैंने कहा आपको मौसम दिखाऊंगा, इधर धूप निकल आई थी, क्या करें नसीब। तो अभी पसीने निकल रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं तैयारी पकड़ते हैं और फिर जाते हैं। अनकरीब शाम भी हो चुकी है, पहले नमाज़ वगैरह अभी पढ़ी है शाम की, और टाइम आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जाना है अब्बू की दोस्त के बेटे की शादी पे, तो अभी पहले फटाफट से इस कपड़ों में तो नहीं जा सकते, सूट चेंज करते हैं तो एनिमेशन के साथ। रेडी हो गया, कैसा लग रहा हूँ। चलो तो अभी अबू ने कहा है कि चलते हैं दादी के घर, क्योंकि मैं तो होके आ जाता हूँ, अबू तो दुकान पर होते हैं, अबू दादी के घर रोजाना है, कभी कभी जाते हैं, तो अभी चलते हैं दादी के घर। आप भी कह रहे होंगे सूट आपका फिर से यही है, अम्मी ने क्या ब्राउन वाला पहन लो और पड़े हुए पैर, नहीं मैंने क्या मुझे घूमा चुके हैं, आ चुका हूँ, चलते हैं आराम से, राम बैठे हैं, हम ये बैठे हुए हैं। शराम क्या खेल रहे हो हैं, फायर फ्री है और आराम डोरेमोन के घर से आ गया हूँ। और अभी अबू ने कहा जल्दी चलते हैं, लेट हो गए हैं तो दादी के घर, थोड़ा ज़्यादा टाइम ही है अबू लोग बैठे, मैंने आपको तो नहीं कहा गया, तो अभी चलते हैं शादी में, बल्कि जूते पहनने हैं, जूते निकालो, जूते निकालो, जूते निकालो, इतने ज़्यादा तो जूते पड़े हुए हैं, हाँ ये आगे मेरे जूते, ये आ गए, कैसे लग रहे हैं, इतने दिन बहुत शादी पे जा, छोटी छोटी मस्तियाँ बीच में करनी जरूरी होती है, वरना कोई इलाज नहीं देखता है। हम हाल में आ गए हैं, ये देख सकते हैं सामने हाल है, वो स्टेज हाल का हाल आम देखने नहीं है, कुछ आई है अभी देखते हैं खाना कब आता है, मेन चीज़ तो हमारा खाना ही होता है, अभी देखते हैं कब खाना आता है। अच्छा मजा मन कर।
चावल निकाले टेस्ट करते हैं। स्टार्ट लरोटी वगैरह खा ली है और मीठे में मेरा आ गया प्यारा सा छोटा सा गुलाब जामुन और मुँह में आता पीटे का बाद लास्ट में हजम करने के लिए बोतल। हम निकल आ गए हैं अभी। अम्मी लोग रोटी खा रहे थे तो हाल में इतनी गर्मी थी बाहर, बहुत बेहतरीन मौसम है। अभी हम बाहर रोड पे आ गए हैं, हाल तो रोड पे ही है, समझो समझा नहीं है, हम रोड पे ही अम्मी लोग खा रहे हैं। अम्मी लोग कब खाना खाते हैं और फिर कब हम घर जाते हैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर शादी से मैं आ गया हूँ और मैंने सूट भी चेंज कर लिया है। अभी आप देखें हमारी कल वाली वीडियो, बहुत मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया, ऐसे ही मैंने क्लिप्स बना लिए थे। मैंने कहा आपको ज़रूर दिखाऊंगा हमारे ओन मेरे मशहूद के और जैन के हंसी मजाक के खेल, उसका अलग हम चैलेंज भी करेंगे। लेकिन ये हमारे छोटी सी क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए थे, छोटे से नहीं थोड़े बड़े ही हैं, तो भी देखो देखो ना तभी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से मजाक वाली अच्छी लगी होगी। थोड़ा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट मस्त करते हैं। आज के लिए इतना चल, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना चल, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।